बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म द पिंक की स्काई हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म में उनके साथ प्रियंका चोपड़ा भी मुख्य भूमिका में हैं। पिछले कई दिनों से फरहान अपनी फ्रेंचाइजी फिल्म डॉन 3 की तीसरी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। फरहान अख्तर ने अभी तक इस फिल्म के बारे में मीडिया को कुछ नहीं बताया है। इसी बीच फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि डॉन 3 में रणवीर सिंह शाहरुख खान को रिप्लेस करेंगे। अपनी फिल्म डॉन 3 के बारे में फरहान अख्तर ने अब चुप्पी तोड़ी है। पहले चर्चा थी कि डॉन 3 को फरहान अख्तर नहीं बल्कि जोया अख्तर डायरेक्ट करेगी। अब फरहान अख्तर ने इस बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वह इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर करके थक चुके हैं। जब इस बारे में कोई घोषणा करनी होगी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसमें मुझे कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है। डॉन 3 पर बात करते हुए फरहान ने कहा कि मुझे नहीं पता ये सवाल बार बार मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। यदि डॉन 3 को लेकर कोई भी फैसला लूँगा तो मैं पूरी दुनिया से शेयर करूँगा। मैं किसी देश की जासूसी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास डॉन 3 की स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी तो मैं खुशी बताऊँगा। मुझे पता है कि लोग इस फिल्म को लेकर काफ़ी उत्साहित है। डॉन 3 को लेकर जब भी कुछ फाइनल होगा मैं खुद ज़ोर शोर से इसकी घोषणा करूँगा। तब तक लोग सब्र रखें। मैं प्रेशर में आकर फिल्म नहीं बनाता हूँ। डॉन फ्रेंचाइजी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वहीं डॉन 3 में रणवीर कपूर और रणवीर सिंह को लेने की अफवाह पर फरहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर आई किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। डॉन 3 जब भी बनेगी शाहरुख खान ही होंगे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। फरहान ने कहा कि शाहरुख खान इस फ्रेंचाइजी के एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान की अगली फिल्म कौन सी होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे लिए डॉन वहीं रहेंगे। शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा स्टार फिल्म डॉन और डॉन 2 काफ़ी हिट रही। बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों ने शानदार कारोबार किया। अब फरहान अख्तर इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर हाजिर होने वाले हैं। खबरें थी कि फरहान अख्तर ने स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और डॉन 3 को 2019 के अंत तक फ्लोर पर ला सकते हैं। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग दुबई और अबूधाबी होगी। डॉन 3 को पहले दो फिल्मों से ज़्यादा बड़े स्तर पर बनाया जाएगा। डॉन और डॉन 3 में काम करने को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने बयान दिया था कि मैं ये नहीं कह सकती कि डॉन 2 प्रियंका चोपड़ा की फिल्म थी, जबकि मैं मानती हूँ कि जंगली बिल्ली मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। मैं इस फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन आप लोग इसके लिए मुझे पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते। इन दिनों फरहान अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। फरहान अख्तर अपनी गर्लफ्रेंड शिबानी के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। आए दिन उनकी फोटोज चर्चा का विषय बनी रहती है। सोशल मीडिया की खबरों के अनुसार उनकी शादी को लेकर भी चर्चा जोरों पर है, हालांकि इस बारे में दोनों ने कुछ नहीं कहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।